लोकसभा 2024 से पहले किसानों का आंदोलन एक बार फिर से अंगड़ाई लेने जा रहा है। आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर अभी भी इन दोनों राज्यों के किसान लंबे समय से डेरा डाले बैठे हुए हैं और वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी जो किसानों के संगठन हैं उन्होंने अपनी मांग तेज कर दी है और कल 14 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत का आगाज किया गया है, आह्वान किया गया है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से हजारों की लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो वहाँ तक पहुँचें और अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ बुलंद करें। इस पूरे कार्यक्रम के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी के अलग अलग जिलों से किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये खेती में काम का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद भी जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार हैं और कल सुबह करीब 9 बजे दिल्ली के बॉर्डर पर आह्वान किया गया है कि सब किसान अलग अलग जिलों से पहुँचें और वो दिल्ली के अंदर कूच करें। वो कूच कर पाएंगे या नहीं, और जो रामलीला ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया है वो वहाँ पर हो पाएगी या नहीं, ये सब कल देखने वाली बात होगी। लेकिन एक मांग पत्र जो सरकार को सौंपा जाएगा उसके बारे में बहुत सारा डिटेल भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जारी किया है और इसको नाम दिया है हक पत्र का। हक यानी वो सारे अधिकार जो किसान सरकार से अपने मुहैया कराना चाहते हैं। इसमें 15 बिंदु हैं जिन पर ये बातचीत की जाएगी और ये हक पत्र वहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसी को लेकर कल की पूरी कार्रवाई रहेगी। तो वो हक पत्र में क्या मांगे हैं वो मैं आपको नट सेल में पढ़े देता हूँ। हम अगर बात करें शुरुआती मांग की तो उसमें MSP तो है ही, इसके अलावा कृषि आंदोलन के जब ख़त्म हुआ था तो उस समय जितने भी मांगें जितने भी कमिटमेंट सरकार ने माने थे उन सब को लेकर भी एक बार फिर से आवाज़ उठाई जाएगी, ऐसा हक पत्र में लिखा हुआ है। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखें, भोजन दवाओं कृषि इनपुट और मशीनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर GST हटाने का किसान मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों रसोई गैस और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में काफ़ी कमी की जाए, जो रेट हैं वो इन ज़रूरतों की चीज़ों के कम किए जाएं, ऐसी मांग रखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं दिव्यांग व्यक्तियों खिलाड़ियों को रेलवे द्वारा कोविड के बहाने जो सब्सिडी जो रियायतें वापस ली गई हैं उनको बहाल करने की मांग है। किसानों को बीज उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाए जाने की मांग की गई है। किसानों की उपज के लिए MSP की गारंटी कानून बनाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा किसानों की आत्महत्याओं को हर तरीके से रोकने की इस हक पत्र में मांग की गई है। इसके अलावा कॉरपोरेट समर्थक PM फसल बीमा योजना को वापस लिए जाने की मांग है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सूखा बाढ़ फसल संबंधी बीमारियां आदि के कारण किसानों को नुकसान होते हैं उनकी भरपाई के लिए सरकार योजना बनाए और उसको सुनिश्चित करे, इसकी भी मांग की गई है। इसके अलावा सभी कृषक परिवारों को कर्ज के जाल से मुक्ति करने के लिए व्यापक ऋण माफ़ी योजना की इस हक पत्र में मांग की गई है। केंद्र सरकार द्वारा लिखित आश्वासनों को लागू किए जाने की मांग की गई है, जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को निलंबित किया गया था। ये बात हो रही है उस कृषि आंदोलन की जो 3 कानूनों के खिलाफ था और करीब करीब 1.5 साल तक वो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मांग जो है वो लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई भी है। जो अजय मिश्रा टैनी हैं उनके और उनके पुत्र के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनमें सुनवाई तेज़ी से हो और इसके अलावा जो विरोध है उनका सियासत में वो भी किसान इस मांग पत्र के इस हक पत्र के जरिए जारी रखेंगे। ये भी कहा गया है सरकार से कि संविधान में जो मूल मूल्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असहमति का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता विविध संस्कृतियों भाषाओं कानून के समक्ष
समानता और देश की संघीय संरचना आदि पर जो हमले किए जा रहे हैं वो सब बंद होने चाहिए। तो भारतीय किसान यूनियन कल इस मांग पत्र यानी हक पत्र को लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक किसान महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है। तो कल के लिए, कल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हैटिक भरा होने वाला है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको दिल्ली से आवागमन करना होता है और वहाँ पर अपना काम करना होता है। तो ऐसे में जब हजारों लाखों की तादाद में किसान वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की सड़कों का जो आलम है वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।